हाय बजा पार्टी। सो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया है? जोश में हो? चलिए भाई साहब, तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ किताबों में आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से भी दिखेगा, ठीक है? तो भाई साहब, परेशान नहीं होने का बिल्कुल भी कि सर ये आपने क्या पढ़ा दिया है, किताबों में तो दिख ही नहीं रहे कहीं पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किताबों में तो दिख भी नहीं रहा है कहाँ पे, क्या पढ़ा दिया हमने? तो बच्चा पार्टी, एक ही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहो, ठीक है? तो इट्स द सेम थिंग, ठीक है? अक्सर हम इसको वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। और अगर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है? हाँ, कहाँ से आया, क्यों आया, ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से बच्चा पार्टी एक बार सुन लो मेरी बातें, मेरी जरूरी जरूरी बातें। तो गाइज, इफ यू आर नॉट यूजिंग, ठीक है, अगर आप लोग यहीं यूज कर रहे हो ना इस टेलीग्राम चैनल का, तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। तो बच्चा पार्टी, इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेना आफ्टर दिस लेक्चर। और ये रहा लिंक, लिंक को ब्राउजर पे जाके टाइप कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन से आप इस लिंक को उठा लेना, ठीक है? अब यार, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मोर देन 2000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और वो बेनिफिट ले रहे हैं पीडीएफ्स का, वो बेनिफिट ले रहे हैं नोट्स का, ठीक है? एंड मैनी मोर थिंग्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपके लिए। तो बच्चा पार्टी, उन सब के बेनिफिट्स वो 2000 बच्चे उठा रहे हैं, और आप कब उठाओगे फिर फायदा? तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ में, ठीक है? एंड उसके बाद में ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। नाउ वी हैव अ सब्सक्रिप्शन पार्ट। बच्चे, क्या एडिशनल चीजें आपको मिलती है अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब ऑन द सब्सक्रिप्शन पैक अगर आप लेते हो तो? वो चीजें कुछ भी नहीं है बच्चा पार्टी। देखो, कुछ एडिशनल चीजें जो आपकी डेफिनेटली प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करती है कि आप अपनी रैंक को और ज्यादा मेंटेन कर सकें। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चे, तो पहली बात आपको लाइव क्लासेस मिलती है, जहां पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद योर एडुकेटर्स। और एक्चुअली अगर आप इसको ऑब्जर्व करें ना, तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन थिंग, ठीक है? अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में देखोगे जाके, तो वहां पे अभी के टाइम पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जा रहे हैं। सो बच्चा पार्टी, रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए कभी पैसा मत खर्च करना। कुछ एक इंस्टीट्यूट्स अभी आपको पैसा लेके बड़ी बड़ी अमाउंट के फीस लेते हैं, और आपको देते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस। तो बच्चा पार्टी, रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए पैसा नहीं देने का कभी भी, ठीक है? हमेशा लाइव क्लास के लिए पैसा दो, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने एडुकेटर्स के साथ में, जिनसे आप डाउट भी पूछ सकते हो। देन गाइज, वी हैव द लाइव पोल्स एंड द लीडर बोर्ड, जो कि क्विजेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, क्विजेस होते हैं यहाँ पे, इन क्विजेस में ये सारी चीजें अवेलेबल है, जहां पे लाइव पोलिंग होती है। देन वी हैव द लीडर बोर्ड पार्ट, ओके? देन वी हैव द टेस्ट सीरीज। तो बच्चा पार्टी देखो, अब आप टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पैसा देते हो, तो टेस्ट सीरीज भी इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मतलब कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज बहुत ज्यादा एसेंशियल है बच्चे हमारे लिए, ठीक है? देन फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, लिटरली कहीं नहीं मिलेगा। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में बच्चा, आप अपने फैकल्टी के साथ में लाइव डाउट क्लियर कर सकते हो। दैट मीन्स एक पूरा सेशन, एक पर्टिकुलर सेशन जिसमें सिर्फ डाउट्स को ही क्लियर किया जाएगा। तो यू कैन इमेजिन बच्चे कि कितना अमेजिंग और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये चीज़, है ना? अगर आप सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी आपके रैंक को बढ़ाने में। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो, एक अच्छी रैंक सिक्योर करो, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे आना चाहिए बच्चे, ठीक है? अब सब्सक्रिप्शन पे आओगे तो आपके पास में यहाँ पे इसके मंथली चार्जेस भी मेंशन कर रखे हैं। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वी हैव दिस पार्ट, जस्ट गो फॉर द 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ। पर मैं अगर आपको पर्सनल सजेशन करूँ बच्चे, तो आप अपने 2021 एग्जाम के लिए 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप में से कोई बच्चा 2021 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो, काफी हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2022 के लिए टारगेट करते हो ना बच्चा पार्टी, तो यार 12 महीने का या फिर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि फायदा इसी में ही है। बाकी की क्या है, फीस भी ज्यादा है और टेन्योर जो टाइम पीरियड है वो भी कम है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड ज्यादा है और फीस है कम। तो भाई, कम फीस में ज्यादा टाइम के लिए पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, तो यहाँ पे जुड़ो। और जब तुम यहाँ जुड़ते हो हमारे साथ में, तो यार मुझे जरूर याद करना, क्योंकि ये प्राइस तभी मिलेगा जब आप मुझे याद करोगे, ठीक है? तो अगर आप मुझे याद करते हो बच्चे, तो ASHLIVE, दिस इज द रेफरल कोड, मुझे याद कर लेना जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है? और एश लाइव यूज करके आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा जो भी होगा इसका, है ना? फिर बच्चा पार्टी, वी हैव द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक पे क्या होता है, मेंटर मिलेगा सर, मेंटर। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल ट्रेनर,
ठीक है, जो आपको गाइड करेगा पढ़ाई को लेके, आपको गाइड करेगा आपके लिए स्ट्रेटजीज, बताएगा आपको कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, देन व्हाट काइंड ऑफ टाइम टेबल यू गाइस हैव टू फॉलो, ये सारी बातें कौन बताने वाला है, ये हमारा पर्सनल मेंटर जो आपको अवेल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइकॉनिक के और भी ज्यादा बेनिफिट्स है कि आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं जो आपके ऊपर टॉप फोकस होते हैं प्योरली, ठीक है, एंड वो सिर्फ इसीलिए है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो ये आइकॉनिक का एक पर्सनल अटेंशन फ्रॉम द अनएकेडमी साइड टू यू गाइज, ठीक है। तो बच्चा पार्टी 12 मंथ्स का एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे है पर मंथ चार्जेस मेंशन कर रखे इसके, ठीक है, ओवरऑल प्राइस जो भी है, लेकिन यस आपको पर मंथ चार्जेस यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पर मंथ आपका इतना कॉस्ट पड़ने वाला है। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके जो भी प्यारे प्यारे टीचर हो उनको याद कर लो, और अगर मैं तुम्हारा प्यारा प्यारा वाला टीचर हूँ तो यार मुझे याद कर लेना एएच लाइव का यूज करके, ठीक है। तो भाई डिपेंड्स ऑन जो आपके पास में आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टी है, आप या तो उसका उनका रेफरल कोड यूज कर लीजिए या फिर आप मेरा रेफरल कोड यूज करो, देखो डिस्काउंट तो सब जगह मिलेगा, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, बढ़े आगे फिट, तो शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि मैंने कहा कि सर जी सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ कुछ सीन ऐसा होता है कि एक चार्ज होता है, उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होता है, ठीक है। अगर चार्ज इसका क्यू है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी जो कि आर डिस्टेंस पे होता है उसको लिखा जाता है के क्यू बाय आर, ऐसे लिखते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, बहुत बढ़िया सर। फिर फिजिक्स में एक और चीज कहती है, फिजिक्स हमसे एक और चीज कहती है कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं डिफाइन करते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिविजुअल डिफाइन नहीं करते, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस को जरूर डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में पोटेंशियल नाम की चीज नहीं होती है, होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी देखेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेशन होने वाला है, तो यार शेयर जरूर कर देना और लाइक कर दिया करो यार, आते ही अपनी अटेंडेंस मार्क करा करो बाय लाइकिंग द सेशन, सेशन को लाइक कर दिया करो, तुम्हारी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी, ठीक है बच्चा पढ़ी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसा कि मैंने कहा, क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्चुअली, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या है, नथिंग बट द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिट ले रहा हूं मैं, ठीक है, टू दैट पॉइंट। यानी कि एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड वन होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को आप उस पी पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करते हो, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता है। और ये जो हम इनफाइनाइट पे चार्ज रखते हैं ना बच्चे, इनफाइनाइट पे जो आपने चार्ज रखा हुआ है, ये हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज अपना पुराना यार, अपना पुराना चूहा वाला चार्ज, और ये एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिंग है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हमारे पास में ये है टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव होता है ये, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करा है वो आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताता है। क्लियर है आपको, ठीक है। आपने क्या किया, इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज को आप इस पॉइंट तक लेके आ गए, तो आपने कुछ वर्क करा, और वर्क अपॉन दैट पॉजिटिव चार्ज गिव्स यू व्हाट, वर्क अपॉन दैट पॉजिटिव चार्ज गिव्स यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिल गया, है ना, सिंपल है ना, इजी पीजी। तो कुछ ज्ञान की बातें कर ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके। तो बच्चा पार्टी हियर वी हैव द ज्ञान की बात है, तो बच्चा पार्टी ये ज्ञान की बात आपको नोट करके रखनी है, क्योंकि ये ज्ञान की बात ही आपको क्वेश्चन सॉल्व पर आएगी। तो ज्ञान की बात कहती है कि इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज, अगर हमने वर्क डन जो हम कंसिडर कर रहे हैं इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फाइनाइट टू अ पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी क्या होता है बच्चे, वो होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जैसा कि मैंने कहा। अब यस यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब W और Q को लिखोगे, सो यू हैव टू पुट दिस विद अलोंग द साइन, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे आओ, मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का ज्ञान परम ज्ञान। तो सपोज करो ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, इस P पॉइंट पे आप इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हो,
ठीक है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज मैंने एक रखा है जिसकी फील्ड डेवलप हो रही है, इससे आर डिस्टेंस पे ये कोई चार्ज कैपिटल क्यू है, तो मुझे पी पे पोटेंशियल बताने कितना होता है, ठीक है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। तो इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करूंगा वो क्या कहलाएगा मेरा, वो पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है बच्चे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर, पॉजिटिव चार्ज को तुम लेके आ रहे हो इधर, तो एक बात समझो जरा, तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, तुमने डिस्प्लेसमेंट भी कराया इधर, तो जो वर्क तुम कर रहे हो यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हम कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हम कर रहे हैं वो है पॉजिटिव, लेकिन वहीं पे वर्क डन बाय फील्ड जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सर फील्ड का जो फोर्स लग रहा है, फील्ड का जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, लेकिन चार्ज कहां आ रहा है अपना, ये चार्ज किस तरफ आ रहा है बच्चा पाड़ी बताओ तो। सर जी फील्ड का फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है लेकिन चार्ज कहां आ रहा है, चार्ज तो इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है तो फिर क्या होगा, वर्क डन बाय फील्ड इज नेगेटिव, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि वर्क डन बाय फील्ड जो होता है इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट यानी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है ये, और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है बच्चे, q इंटू वी के बराबर है, किसके बराबर है, q इंटू वी के, कहां से आया फॉर्मूला, v इज इक्वल टू w बाई क्यू से। आई होप इतनी सी बातें आपको समझ आ चुकी होगी, तो अगर आपको क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके ये फ्यूचर में हेल्पफुल रहे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है, और चीज़ों को साथ साथ समझते चलना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है किसी बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट आई डोंट थिंक इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है। तो आपको W और Q दोनों को साइन के साथ में पुट करना पड़ेगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हो तो प्लस Q, अगर आप नेगेटिव चार्ज को लेके आते हो तो माइनस Q, ठीक है। वर्क डन बाय फील्ड है तो नेगेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है तो पॉजिटिव, एज पर द डिमांड हम अपने वर्क डन को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। पोटेंशियल जो है बच्चे, क्योंकि W बाय क्यू है, W एक स्केलर क्वांटिटी है, अरे वर्क डन क्या होता है बच्चे, कौन बताएगा मुझे वर्क डन क्या होता है, क्या ये वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ नहीं सर, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल भी तो स्केलर होगा, पोटेंशियल ने क्या बिगाड़ा है फिर तुम्हारा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वर्क डन कैसा है, ठीक है। वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, वर्क डन नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, या फिर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अगले ज्ञान की बात जो आती है कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट तो तुम दिख गया होगा, जूल पर कूलम, यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, इसी को हम वोल्ट भी कह देते हैं, ठीक है, वोल्ट वी भी कह देते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट वी, है ना। फिर अगला पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार वही तो बात आ गई यार, ये जो होता है बच्चे ये क्या है, वी इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू फील्ड अपॉन क्यू, हो गया खत्म सवाल, ये कहां से आया सर ये। अरे मेरे प्यारे प्यारे नादान बच्चों, यहां पे क्या लिखा है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू किसका है, ये एक्सटर्नल फोर्स का है अपॉन क्यू, ठीक है। अब मैंने कहा था डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस का डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, अरे फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा ना, तो एक्सटर्नल की जगह पे मैंने माइनस का डब्ल्यू बाय द फील्ड अपॉन क्यू कर दिया, हो गया खबर, बस इतनी सी तो बात थी यार, ये क्या ज्ञान की बातें थी, देखो बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना, बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लो इसको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी। एक छोटा सा सवाल मुझे करके बताओ क्या आंसर होगा इसका, व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट हुज पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। एक अल्फा पार्टिकल को मैं इनफाइनाइट से लेके जा रहा हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे पोटेंशियल कितना है, प्लस का 10 वोल्ट, जहाँ पे पोटेंशियल है 10 का प्लस का 10 वोल्ट, इनफाइनाइट से आप अल्फा पार्टिकल को लेके जा रहे हो तो वर्क डन कितना करोगे, कितना वर्क डन करोगे, फील्ड का वर्क डन नहीं पूछा, तुम कितना वर्क डन करोगे ये बताओ बच्चा, तुम लोग कितना वर्क करोगे वो बताना है, फील्ड का वर्क डन नहीं, अभी तुम्हारा वर्क डन बता दो तुम कितना वर्क डन करोगे। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, करो तो तो क्या करेंगे सर जी, इसमें W इज इक्वल टू क्यू वी वाला फॉर्मूला लगा ले, और चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल इज 2
इलेक्ट्रॉन, 2e, तो 2e और ये प्लस का 10, यानी कि ये बन गया प्लस का 20 ईवी, प्लस का 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर प्लस का 20 इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से कन्वर्ट करते हो, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 20 इंटू 1.6 यानी कि बन जाएगा कितना, कितना बन रहा है बच्चे, ये कितना बन रहा है, ये 32 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल, यानी कि 3.2 बन जाएगा ये इंटू 10 की पावर माइनस का 18। ठीक है बच्चे भाड़ी, तो या तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर होगा या फिर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल होगा। हमारे ऑप्शन में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम इसको टिक कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है तुम लोगों को, क्लियर है बच्चे, इतनी सी बातें। बढ़े आगे, फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन की वर्क डन इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बच्चे मुझे इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लेके जाना है, तो वर्क डन कितना लग रहा है, प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि ये पॉइंट पी है, इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से उठा के यहां तक लेके जा रहे हो तुम लोग, उठा के तुम नहीं मतलब धीरे धीरे लेके जाते हो, तुम लोग उठा के नहीं लेके जाते हो, तुम लोग इसको स्लोली स्लोली लेके जाते हो, स्लोली 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 स्लोली, है ना गाना है नहीं, तो तुम लोग इसको धीरे धीरे लेके जाते हो। धीरे धीरे क्यों लेके जाते हो, ताकि इसके पास में एक्सेलरेशन ना आए, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन आ गया तो एक नया फोर्स भी जनरेट होने के चांसेस यहाँ पे, तो हम इसको इतना स्लो स्लो लेके जाते हैं कि इसके पास कोई एक्सेलरेशन ना आए। ठीक है, तो उस केस में इसकी स्पीड जो होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाती है, बहुत धीरे धीरे इसको लेके जाते हैं हम लोग, बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा तो देखो, एक्सेलरेशन आ गया तो मतलब कि वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी में चेंज होने से क्या होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि एनर्जी का कुछ यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा, तो वो एक बहुत आगे की बातें हैं, फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि इसको बहुत स्लोली स्लोली आप आगे मूव करवा रहे हो। ठीक है, हम नहीं चाहते कि एक्सेलरेशन आए इसके पास में। तो वर्क डन कितना गिवन है, प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जी यहाँ पे चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का ई, तो W इज इक्वल्स टू क्यू वी, सो W की जगह 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू माइनस का ई वी, ई से ई कैंसिल हो गया तो वो पोटेंशियल आता है माइनस का 10 वोल्ट, खत्म सवाल। V कितना आता है, माइनस का 10 वोल्ट, है ना बच्चे, इसलिए कहा था मैंने कि वर्क डन को उसके साइन के साथ में पुट करना, इसलिए कहा था मैंने वर्क डन को पुट विद साइन और चार्ज को पुट विद साइन, इसलिए कह रहा था मैं वर्क डन और चार्ज को दोनों को साइन के साथ में पुट करना, तभी इसका चीज क्लियर हो गया। तो माइनस का 10 वोल्ट ए ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। अरे तुम लोगों को समझ आ रही है बातें, क्या बहुत ज्यादा टफ चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, हाँ या ना जवाब दे दिया करो। और यार देखो ये लाइक्स इतने कम तुम कर रहे हो, पता नहीं कौन से जमाने की तो दुश्मनी निकालते हो मेरे से, यार ऐसे मत करो। ठीक है, थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ओके बच्चा भाड़ी, करोगे क्या, अरे हो जाएगा। चलिए भाई, तो वो जो सिनेरियो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि भाई के क्यू बाई आर, सर आपने बोला कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर, पर आप तो कुछ नई चीजें बता रहे हो, आप तो बोल रहे हो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, हैं ये क्या है, तो ये कब आता है फिर, ये तब आता है जब आपके पास में एक पॉइंट चार्ज हो। ये कब आएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है बच्चे जब आपके पास में एक पॉइंट चार्ज होता है, जब आपके पास में एक पॉइंट चार्ज होता है और वो पॉइंट चार्ज, एक मिनट को, हाँ ठीक है, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड करना होता है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि ये मेरे पास से एक पॉइंट चार्ज है, आई एम हैविंग दिस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पॉइंट p रखा हुआ है और मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट p। p पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, तो वही करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को लेते हैं इनफाइनाइट से और यहां पे लेके जाते हैं इसको, इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो जो वर्क डन वो उसने किया होता है वो हम डिफाइन कर देते हैं, बट अभी के लिए जो सिंपल सा ज्ञान है वो ले लो, वी पी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर इज द पोटेंशियल। कहां से आया ये फॉर्मूला, कैसे आया ये फॉर्मूला, दो डेरिवेशन देख लो, डेरिवेशन जैसे कि मैंने कहा बच्चा पार्टी मैं आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो डेरिवेशन में मैं थोड़ा सा चीजें स्किप करूंगा, स्किप इन द सेंस मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा पूरा। ठीक है, एक बार आपको डेरिवेशन में एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या क्या हो रहा था, फिर मैं आपको फटाफट से आगे क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। सो गाइज, लाइक वी हैव अ सिनेरियो कि सर जी ये देखो एक चार्ज है क्यू,
बी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है कितना होता है, तो इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, आते आते रास्ते में एक पॉइंट ए पे मैं अपना एनालिसिस करूंगा, ठीक है। किसी चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से जब आ रहे थे तो ए पॉइंट पे मैंने एनालिसिस किया, तो ये क्यू चार्ज ए से एक्स डिस्टेंस पे दूर है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है ई, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज के ऊपर, तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर के कैपिटल क्यू क्यू डॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स लग गया जब ये यहाँ पे था, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड दैट एफ ई कैन बी रिटन एज के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। चलिए बच्चा पार्टी, इतना फोर्स लग रहा है, पर सर जी फोर्स का क्या करोगे, आपको तो वर्क डन चाहिए। तो बच्चा पार्टी अगर मैंने कहा कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वर्क डन चाहिए, मैंने कहा भाई इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा दो डीएक्स, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डिफाइन करो, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डीएक्स, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन एफ डॉट डीएक्स, एफ की वैल्यू तुम्हारे पास में है तो लिख दो यहां पे द वर्क डन बाय द फील्ड, फील्ड की वजह से वर्क डन इन मूविंग अ स्मॉल डिस्टेंस डीएक्स, डीएक्स इधर आ रहा है फील्ड इधर जा रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट जो डीएक्स हो रहा है वो इधर हो रहा है और फील्ड जो लग रही है वो इधर लग रही है, तो देखो तुम देख सकते हो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो जो वर्क डन होगा वो माइनस में आ जाएगा। फोर्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कर देते हैं, वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कर देते हैं। अरे तुम्हें समझ आ रही है ना बातें, जब वर्क डन निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कर देना बच्चा पार्टी, और जब ऐसा करोगे तो ये लो भाई माइनस का डी डब्ल्यू, माइनस बाहर है क्या, ये वैल्यू पुट करिए, कहां से कहां जा रहे हो, अरे भाई साहब कहां जा रहे हो तुम, तो सर जी हम जा रहे हैं इनफाइनाइट से लेके एक ऐसे पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है। जब चार्ज हमारा इनफाइनाइट पे था तो सेपरेशन कितना था, इनफाइनाइट, जब चार्ज हमारा बी पॉइंट पे आ गया तो सेपरेशन कितना बचा आर, तो इनफाइनाइट से लेके आर तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वर्क डन आपको मिल जाएगा ये। सो गाइज दिस इज द वर्क डन के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये वर्क डन हमारे पास में आ गया बाय द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो ये वर्क डन हो गया बच्चे, इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने के लिए कितना वर्क करा, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पोटेंशियल जो होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है, वर्क डन ये है, तो भाई पोटेंशियल आ गया कितना, अरे वर्क डन पता चल गया ना कितना, 1/4πε0Q0r, तो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो बन जाएगा 1/4πε0Q/r, इसको k भी बोलते हैं तो ये बन जाता है के क्यू बाई आर। सो गाइस दिस कैन बी रिटन एज के क्यू बाई आर, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो हमारे लिए रिवीजन में सिर्फ एक ही चीज फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाँ अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हो बच्चे तो डेफिनेटली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अगर आप नीट के लिए या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे आपको फॉर्मूले से ही मतलब पड़ेगा, डेरिवेशन से एज सच कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। चलिए बच्चा भाटी, तो एक छोटा सा सवाल तुम्हारे नाम पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ, वेयर इज द पॉइंट ओ, ये रहा। So you guys have to tell me the electric potential at O due to the four charges placed at the corner of a square. Distance of each charge from O is r, और ये r जो है बच्चा पाड़ी 2 सेंटीमीटर है। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक ये है और एक ये है। तो आपको बताना है पोटेंशियल कितना होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से आप क्या करोगे, V टोटल फाइंड करने के लिए आप V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करोगे, और ऐसा करने से आपको मिलेगा आपका मनचाहा आंसर, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा बिल्कुल वही मिलेगा आपको। तो एक बार के लिए खुद से ट्राई जरूर करो और मुझे आंसर बताओ। अब क्या है ये पॉइंट चार्ज वाले केसेस चल रहे हैं, ये सब क्या चल रहे बच्चा पार्टी, पॉइंट चार्ज के केसेस चल रहे हैं कि हमारे पास में चार चार पॉइंट चार्जेस थे जिनको हमने चार कोनों पे रख दिया था। अब इन पॉइंट चार्जेस की वजह से ओ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो शुरू हो जाओ भाई, अब तो सोचना ही नहीं है कुछ भी, है ना, शुरू हो जाओ बच्चा पार्टी फटाफट से। कैसे करोगे सर, सबसे पहले V1 फाइंड कर लेते हैं, तो V1 आएगा कितना, K इंटू, इसको मैं 1 बोल दूं, 1, 2, 3 एंड दिस गोज़ बी 4, तो V1 हो जाएगा कितना, K इंटू, चार्ज कितना है 8, 10 की पावर माइनस का 6
अपॉन ये आर। वी टू कितना बन जाएगा बच्चे, के इंटू माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन आर। सिमिलरली वी थ्री कितना बनेगा, के इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 बटा आर। और बच्चा पार्टी वी फोर कितना बन जाएगा, वी फोर बनेगा के इंटू प्लस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 बटा आर। तो टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा वी टोटल वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर। तो बच्चा पार्टी सब में देखो k बाय r कॉमन आ रहा है, सब में k बाय r आ रहा है, k बाय r आ रहा है, k बाय r आ रहा है, सब में k बाय r आ रहा है, तो k अपॉन r को तो निकाल दिया बाहर। साथ में 10 की पावर माइनस का 6 सब में कॉमन है, तो 10 की पावर माइनस 6 को भी निकाल लो बाहर। बचा हुआ कौन है, 8 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 3, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन r कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ऐसा कर लिया आप लोगों ने। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाना बच्चे, मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूँ। ठीक है, ये तो बी ए बंद हो जाएगा, मर जाएगा रास्ते में। ठीक है, अभी आप लोग बोलो तो आप लोगों को ये समझ आया क्या? हाँ, तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई। तो क्या हुआ, हमने ये सॉल्व करा इसको, और यहाँ पे क्या करोगे इसके साथ, 8 माइनस 4 4 प्लस 2 3 तो 5, तो ये हो जाएगा कितना, 99 से 81, तो ये तो वैल्यू कुछ और दे रहा है, 81 यहाँ भी लिख दूँ, 81 इंटू 10 की पावर 6 तो 8, 10 बाई 2, 5 से कैंसिल हो गया, 5 वन 5 5 एट 40, 405 आंसर आ रहा है। देखो जरा क्या यही आंसर है आप लोगों का भी, 405 इज द राइट आंसर। देखो जरा क्या हमने सही आंसर किया है, बिल्कुल क्या आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ हाँ, दिक्कत क्यों नहीं आएगी, आएगी, गलत किया क्योंकि बच्चा पार्टी क्या गलती कर रहे हो यार तुम लोग। ये माइनस का 2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 12 यानी कि 10 की पावर 6 बाई 2, तो ये बन जाएगा 81 बाई 2 इंटू 10 की पावर 6। अब सॉल्व करना, 81 बाई 2 इंटू 10 की पावर 6 इज द राइट आंसर, 81 बाई 2 इंटू 10 की पावर 6, तो आंसर बन रहा है बच्चे 81 बाई 2 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, तो क्या लिखते हो उसको, अरे बोलो जरा, E की यूनिट क्या होती है बच्चे, अरे यार E की मांग रहे, नहीं V की मांग रहे, तो ये हो जाएगा कितना, वोल्ट, वोल्ट लिख दो इसको सिंपली V में, तो इसको कर लेना सॉल्व। अब ये बन जाएगा 4 5 2 4 8 एंड पॉइंट लगा लेना 4.5 इंटू, सही है नहीं, 4.05 आएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, एक बार देख लेना क्या यही आंसर है। ठीक है, सो गाइस 4.05 इंटू 10 की पावर 6 मैच कर रहा है क्या, देख लो 4.05 इंटू 10 की पावर 6 यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, तो मैं ये दिखावट को हटा रहा हूँ, बाकी किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका एक बार, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, बाकी फिर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देख लो आंसर क्या मैच कर रहा है हमारा, क्या आंसर मैच कर रहा है, तो देखो 4.05 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। आप बोलो क्या आपको समझ आ रहा है, देखो भाई हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, चुपचाप मत बैठे रहा करो। ठीक है, एटलीस्ट ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि भाई तुम पढ़ रहे हो। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि आधे बच्चे सो गए हैं, आधे बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं बस बैठ के। ठीक है, तो बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो यार, और ये लाइक्स में कौन सी दुश्मनी तुम मेरे से निकाल रहे हो यार, लाइक तो कर दिया करो कम से कम। हाँ चलिए बच्चे, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि फिजिक्स में हम पोटेंशियल को नहीं डिफाइन करते, हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या असल में, तो नथिंग सर जी, इट्स नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा इट्स नोन एज, जैसे सपोज करो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पे पोटेंशियल वी ए है, बी पे पोटेंशियल वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैसे डिफाइन करें, इसका क्या फॉर्मूला होता है, आओ देखें। तो बच्चा पाड़ी, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा
कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम काम कर रहे हैं और ए से लेके बी तक किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं, यानी कि फील्ड अभी कहाँ होगा, इधर. फील्ड इधर होगा तभी तो हम फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तभी तो हम फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं क्योंकि फील्ड है इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहिए और फोर्स इधर होना चाहिए. ओके गाइस, क्लियर है? तो अगर W इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो VB minus VA इज इक्वल टू W by Q होता है. VB minus VA इज इक्वल टू W by Q. याद करो पहले हम V इज इक्वल टू W by Q करते थे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खासियत मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम्हें नहीं पता होगी, कि वो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है. वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए. तो यहाँ पे देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू कर दिया हम लोगों ने. ठीक है, और यहां से जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो डब्ल्यू मिल जाएगा एज क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए. और जो तुम पहले पोटेंशियल निकाल रहे थे ना, पहले तुम पोटेंशियल निकालते थे ना कि सर इनफाइनाइट से जाते हैं, तो यहां से बच्चे इस फॉर्मूले से, इस वाले ही फॉर्मूले से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो. कैसे, आओ देखो ब्लैक बोर्ड पे. ब्लैक बोर्ड पे एक बात समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं तुम लोगों को, वो ये है कि सर आपने कहा कि बी से ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, टेस्ट चार्ज को आप यहां लेके जा रहे हो ए से बी तक, तो वी बी माइनस वी ए को लिखते हो डब्ल्यू बाय क्यू नॉट. ठीक है, अब जब हम पहले सॉल्व कर रहे थे वो इनफाइनाइट वाला केस पढ़ते थे जब हम, तो क्या होता था, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे जाते थे आप लोग, तब आप क्या करते थे, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे जाते थे. अब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, तो अगर मैंने ए को इनफाइनाइट पे कर दिया और ये मेरा बी पॉइंट हो गया, तो वी बी माइनस वी ए यानी कि ये इनफाइनाइट पे पोटेंशियल. और बच्चा पार्टी पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर आपके पास में है, आर को अगर आप इनफाइनाइट पुट करोगे ना तो वी बनेगा के क्यू बाई इनफाइनाइट, तो वी हो जाता है जीरो, यानी कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो होगा जीरो होगा. तो अगर मैंने वी ए को कर दिया जीरो तो ये क्या बन गया, सिर्फ वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. तो बन गया ना वही फॉर्मूला जो हम पहले लिखते थे वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वाला. तो ये कहां से आया था, ये यहीं से तो आया बच्चे, सिर्फ इसमें एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे कर देना, जैसे कि यहाँ पे आप ए से चार्ज को लेके जा रहे हो तो ए को इनफाइनाइट पे डाल देना, ए को जैसे इनफाइनाइट पे डालोगे तो पोटेंशियल एट ए जीरो हो जाएगा और हमारा यही आंसर फिर से मिल जाएगा हमें. ठीक है, अब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो क्यों होता है सर, ऐसा क्यों कि इनफाइनाइट पे आपने पोटेंशियल को जीरो कर दिया. तो बच्चा पार्टी हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट को कंसिडर करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल को जीरो करते हैं, जैसे कि हम ग्राउंड को, बच्चे जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हो तो ग्राउंड को रेफरेंस लेते हैं, यानी कि कहते हैं यहां पे पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा. ग्राउंड को हम रेफरेंस कंसिडर करते हैं और बोलते हैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, यहां पे पोटेंशियल भी जीरो. तो वैसे ही इनफाइनाइट को भी हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वो सब जीरो मान लेते हैं. क्या इतनी सी बात क्लियर है? फिर से ब्लैक बोर्ड का ज्ञान, परम ज्ञान तुम्हारे सामने रखा हुआ है, इसको ग्रहण कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे बाल से ही ना मुझे बता देना ताकि स्क्रीनशॉट में मैं अच्छा दिखूं फिर, है ना. चलिए बच्चा बाड़ी, समझ गए आप लोग, अभी आपको क्लियर है पूरी पिक्चर. पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डिफरेंट थिंग, पोटेंशियल इज अ डिफरेंट थिंग. डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन किया जाता है, डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन किया जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट पे डिफाइन करोगे आप लोग. ठीक है, किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है आप वो निकाल सकते हो W by Q वाले फॉर्मूले से. ये W by Q आया कहां से, एक्चुअली जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उसमें एक पॉइंट को, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे उसमें एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे रख दो ले जाके. जैसे ही आपने उसको इनफाइनाइट पे रखा उसका पोटेंशियल हो गया जीरो, तो अल्टीमेटली आपके पास में जो आंसर मिलता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट वाला फॉर्मूला बन जाएगा और यही आप तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो. अब इससे के क्यू बाई आर कैसे बनाते हैं वो तो भाई अभी जस्ट मैंने आपको डेरिवेशन समझा दिया था. इस डब्ल्यू बाई क्यू नॉट से, इस डब्ल्यू बाई क्यू नॉट से आप के क्यू बाई आर कैसे बनाते हो वो तो आपको पता है ना बच्चे. क्या कि सर अगर वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है तो यहां से वी इक्वल टू के क्यू बाई आर कैसे बनाना है, ये तो आता है ना आप लोगों को. कोई ऐसा अनजान व्यक्ति तो नहीं है जिसको नहीं पता,
वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर बनाना आता है ना, कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं है ना जिसको नहीं पता? अगर अनजान व्यक्ति है तो भाई थोड़ा सा पीछे जाओ, डेरिवेशन देखो, वहां से चीजें समझ आ जाएगी। क्लियर बच्चा पार्टी, सभी को समझ आ रहा है? हाँ या ना बोल दिया करो यार, चुप्पी मत साध के रखा करो। कितना चुप रहते हो तुम लोग, है इतना कितना चुप रहते हो। तो चलो भाई एक छोटा सा सवाल तुम्हारे लिए। सवाल कहता है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी इज प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ए से बी तक लेके जा रहे हैं हम एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन को। तो बच्चा पार्टी ए पॉइंट बना लो, बी पॉइंट बना लो, और इनके यहाँ पे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब ए पे पोटेंशियल होगा वी ए, बी पे पोटेंशियल होगा वी बी, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो तुम लोग ए से बी पे, ठीक है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कौन मूव करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन को कौन मूव करवा रहा है? अरे मॉन, कौन मूव करवा रहा है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, यानी कि अगेन पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है वो बड़ा है एट द विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ओ माई गॉड, अब वी बी माइनस वी ए करेंगे, वी बी माइनस वी ए करेंगे तो मिलेगा प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है बच्चे, क्या सही जा रहे हैं हम लोग? वी बी माइनस वी ए करने से प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है, और वही अगर वी ए माइनस वी बी करूं तो क्या मिलेगा? माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधी सी बात है सर, लोअर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जा रहे हो, इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, फोर्स लग रहा है इस पे इधर की तरफ, तो वर्क डन बाय फील्ड इस केस में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और वर्क डन बाय फील्ड पॉजिटिव, सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि प्लस का W अपॉन माइनस का Q, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे समझ गए बात को क्या? कि सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देखो अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी उसका इधर हो रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो वर्क डन जो होगा बाय द फील्ड इज पॉजिटिव, बट डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन बाय फील्ड अपॉन चार्ज करोगे तो चार्ज तो नेगेटिव है ना बच्चे, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा बी क्या जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ए से लेके बी तक जाओगे तो डेल्टा बी नेगेटिव है, लेकिन बी से ए तक आ रहे हो, बी से ए तक आओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चे, ठीक है। वी बी माइनस वी ए देख लो, वी बी माइनस वी ए इज द पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वहीं पे वी ए माइनस वी बी करोगे तो माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अभी पिक्चर समझ आता है क्या तुम लोगों को? पिक्चर समझ आता है तुम लोगों को? आता है कि नहीं आता भैया? आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लें फटाफट से। देखो ये क्या है, डेफिनेशन वाला पार्ट है, तो आज का लेक्चर डेफिनेटली ये थ्योरिटिकल पार्ट की एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। अगले लेक्चर से क्वेश्चंस पे हम फोकस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जितनी भी थ्योरिटिकल पार्ट है इसमें मैं ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आज कंप्लीट हो जाए, बट स्टिल जो कुछ थ्योरी बच जाएगी उसको मैं आगे कवर करवा दूंगा, ठीक है। और मेरा मेन टारगेट है कि अगले लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है बच्चा ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब आप वर्क करते हो और वो वर्क स्टोर हो जाता है। जब आप वर्क करते हो तो वो वर्क स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो स्टोर होती है। तो जब आप इलेक्ट्रिक पॉइंट को, एक चार्ज को, जब आप किसी भी चार्ज को, पॉइंट चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आ रहे थे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने वर्क करा, डेफिनेटली आपने वर्क करा, तो जो जो आपने वर्क करा वो स्टोर हो गया, वो स्टोर हो गया उस चार्ज के अंदर इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट सिंपली सा ये कहता है बच्चा पार्टी कि अगर आपने किसी पॉइंट पी पे चार्ज को लेके आए इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी पे अगर आप कोई चार्ज को लेके आए तो आपने करा वर्क डन, जो वर्क डन आपने करा वो स्टोर हो गया इसमें जाके इन फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी आप वर्क करते हो वो स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पर यहां पे चार्ज पे वर्क करा था तो चार्ज का पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी को आप उठाते हो ऊपर एच हाइट तक तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ना, एमजीएच, वो क्यों आई? क्योंकि आपने इसको ऊपर उठाने के लिए वर्क करा था। तो जब आपने इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए वर्क करा
तो उसके अंदर एक एनर्जी आ गई कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होती है। वैसे ही एक चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लाने के लिए जो आपने वर्क करा वो स्टोर हो गया उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वो सारा पोटेंशियल एनर्जी कहां स्टोर हो गया, वो स्टोर हो गया उसके चार्ज में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट क्यू, है ना, इस Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो Q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट कर लेते हैं तो इज इक्वल टू क्यू वी हो जाता है वो, तो U इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, तो जैसा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं वैसे ही हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करते हैं। तो कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे बच्चे, हम डिफाइन करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू इन टू डेल्टा वी ऐसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली बच्चे एनर्जी की बात हो रही तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। सेम यूनिट होगी जो एनर्जी की होती है, जो लाइक जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क के लिए आपने यही दो यूनिट्स को डिफाइन किया था, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी के लिए भी यही डिफाइन होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चा बाड़ी 1.6 × 10⁻¹⁹ पक्का सही है। बड़े आगे चलो भाई, एक छोटा सा घटिया सा सवाल तुम्हारे लिए। एक प्रोटॉन है और इसको मैंने प्लेस कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में एट अ पॉइंट हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट का। यहां पे मैंने एक प्रोटॉन को रखा है, तो प्रोटॉन का पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा। इस प्रोटॉन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बताना पड़ेगा आपको। इस प्रोटॉन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो सर जी सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्यू टाइम्स ऑफ वी होती है, है ना। अब प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा ई के बराबर होगा, और ये 5 वोल्ट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, या फिर 5 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल आ जाएगी। तो जो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा के हिसाब से आंसर आएगा आप देख लेना, यूनिट की पूरी छूट तुम्हारे पास में है, यूनिट की पूरी छूट तुम्हारे पास में। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमसे कहता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट का मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, जिसको मैंने सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है किसी भी ट्रायंगल के। हैविंग द चार्ज क्यू ईच एट इट वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे आप देख रहे हो क्यू चार्ज है, सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज है सेंट्रॉइड पे, तो उस पर आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है पहली तो, और दूसरा बात आपको वर्क डन बताना है कि कितना वर्क डन चाहिए इन टेकिंग अ चार्ज टू इन्फिनिटी, है ना। एक चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाने में कितना टाइम लगेगा, द डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम द सेंट्रोइड इज आर, हर एक वर्टेक्स का सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस है वो है आर। तो भाई साहब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली आप निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? तो सर उसके लिए जो जरूरी है ना वो है पोटेंशियल वी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, तो पोटेंशियल निकाल लो। ठीक है, तो पोटेंशियल निकाल लो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लगा लो, क्या इनटू वी, है ना, यही होता है ना। तो चलो मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बताई देता हूँ, वैसे तो तुम समझदार हो, बट देख लो, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अगर किसी पॉइंट पी पे किसी q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हो जो कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है, किसी पॉइंट p के ऊपर पोटेंशियल आपने निकाला तो के क्यू बाई आर आया। ठीक है, यहां पे से कैसे निकालते थे, एक चार्ज को आप लेके आते थे इनफाइनाइट से और यहां पे लाके फेंक देते थे, तो यहां पे चार्ज q है। तो बच्चा पार्टी अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, वो होती है क्यू वी, तो क्यू इंटू वी की जगह के क्यू बाई आर, तो यहां से के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिफाइन कर दिया, क्योंकि आप चार्ज को लेके आ रहे थे इनफाइनाइट से और यहां लाके रख रहे थे। अब आपने चार्ज को इनफाइनाइट से लाके यहां रखा तो चार्ज के पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, वी आप निकाल चुके थे ऑलरेडी, पुट करा सॉल्व करा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, है ना, कितनी सिंपल सिंपल सी बात है। तब आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, फटाफट से आंसर बताओ फिर तो। अरे स्केलर क्वांटिटी है बालक, बालक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या करेगा, ऐड हो जाएगा ना सर, ऐड कर ली ना,
लीजिए ना। हाँ चलो तो ऐसा करो फटाफट से, और मुझे आंसर बताओ क्या आंसर होगा। मैं 2 मिनट का सब्र करूंगा, 2 मिनट का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। फिर आपको वर्क डन भी बताना है, फिर आपको वर्क डन भी बताना है। तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है वही आपकी वर्क डन भी होती है। क्यों? क्योंकि जो वर्क आपने करा है वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो तो वर्क डन तो वैसे ही मिल गया। फिर मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अरे क्या बात कर रहे हो। चलो बच्चा बाड़ी बोलो भाई, फटाफट से बोलो, समझ आ रहा है तुम लोगों को? समझ गए ना? ठीक है हटा दो इसको। चलो भाई देख लो फटाफट से, पोटेंशियल एट द सेंट्रोइड 3 × KQ/R। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी, है ना। क्यू नॉट क्योंकि चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ना बच्चे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्यू नॉट इंटू वी होती है। वी कितना हो जाएगा? KQ/R। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी? क्यू नॉट इंटू 3 KQ/R। तो 3 KQ^Q0/R इज द पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन निकालना है तो वो वर्क डन तो आपको पता ही है, माइनस का पोटेंशियल एनर्जी। लो भाई हो गया सवाल खत्म। इतनी सी तो बात थी यार, क्योंकि जो भी आप वर्क डन कर रहे हो वो स्टोर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क पावर एनर्जी में आपने देखा होगा कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस का पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। अरे यार तुमने डेल्टा यू निकाल लिया है 3 KQ^Q0/R, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन हो जाएगा माइनस का 3 KQ^Q0/R। हो गया खत्म सवाल। इतनी सी तो बात थी यार, अरे इतनी सी तो बात थी। हो गया क्लियर? चलिए बच्चा पढ़िए, तो अगला सवाल सेम टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे एक 4 चार्जेस है बच्चे, ईच ऑफ क्यू चार्ज है ना, उनको मैंने कॉर्नर्स पे रखा हुआ है एक स्क्वायर के, जिसका साइड कितना है बच्चे? ए। स्क्वायर का साइड कितना है? ए, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑन ऑफ द वन ऑफ चार्ज, एक चार्ज के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो इस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बतानी है। तो आप क्या करोगे? सर जी पहले तो इस पर पोटेंशियल निकाल लेता हूँ मैं, इस पर पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, टोटल कितना पोटेंशियल होता है पहले चार्ज की वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से और तीसरे चार्ज की वजह से। तो V1 के लिए निकालूंगा तो KQ/A², सॉरी A। V2 निकालूंगा तो KQ/√2A। फिर V3 निकालूं तो भी KQ/A, क्योंकि ये लेंथ A है, ये लेंथ भी A है और ये √2A है। हो गया। अब V नेट इज इक्वल टू KQ/A प्लस KQ/A प्लस KQ/√2A। तो KQ/A ले लीजिए कॉमन, 1 + 1/√2, ये हो गया V नेट। अब U जो होता है बच्चे वो होता है Q, क्योंकि इसका चार्ज कितना है बच्चे? Q है, Q × V नेट, Q × KQ/A, 1 + 1/√2। KQ² / A, 1 + 1/√2। अरे यार यही तो था सवाल। देख लो पोटेंशियल एनर्जी QV यानी कि KQ² / A, 2 + 1/√2 है ना, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा कितना? 2। ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी थी क्या इसमें? मैंने KQ/A करा था और 1 + 1 + 1/√2 ऐसे लिखा था क्या मैंने? ऐसे लिखा था क्या मैंने? अरे ऐसे लिखा था ना मैंने, तो 2 + 1/√2 कि मैंने उल्टा कर दिया था। मैंने एक वन को खा गया था क्या मैं? यार मैं भूल गया यार, मैंने वन को खा लिया था क्या? क्या मैंने ऐसे लिखा हुआ था? ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था तो +1 और लगा लेना उसमें। अगर ऐसे लिखा है तो +1 और लगा लेना, क्योंकि दो दो वैल्यूज है ना यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसके ऊपर आप फाइंड करने जा रहे हो क्या? इसके ऊपर आपने फाइंड कर लिया, किसी के भी ऊपर ले सकते हो, दो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा के हिसाब से। इसी के ऊपर आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लीजिए, ठीक है, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये 3 चीज़ें मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताऊंगा, साथ ही साथ
पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद एट द एंड हम फाइनली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो वो शायद उससे भी अगले लेक्चर में जाएगा, बट यस अगले लेक्चर में हम रिलेशन फाइंड करने वाले बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। सो गाइज होप यू डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल दिस अनअकैडमी लैब, जो ऐप है हमारे पास में, जो अनअकैडमी की जो ऐप है बच्चा पार्टी, इसको जरूर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना और यहां से जाके आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको जाना है ये प्लस पे, क्योंकि प्लस पे मिलेगा प्लस का फायदा। और बच्चा पार्टी जस्ट सेट योर गोल फॉर नीट और फॉर जेई, ठीक है, एंड हिट द बटन ऑफ गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये सब प्रोसेस करने पड़ेंगे, प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का एंड 24 मंथ का, यही काम का है, उससे ज़्यादा आपके पास में टाइम कम लगेगा लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा। कम टाइम के लिए ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे हो, कम टाइम के लिए ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे हो, बेटर है ना कि तुम ज़्यादा टाइम के लिए कम पैसा दो, है ना। और जब आप ये कोर्स लोगे ना तो ऐश लाइव का यूज जरूर करना बच्चा पार्टी, है ना। अरे यार ऐश लाइव यानी कि मुझे जरूर याद कर लेना, क्योंकि भाई जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हारे प्यारे आशीष सर को तो याद करोगे ना तुम लोग, तो भाई ASH लाइव को मत भूल जाना, ठीक है। और आइकॉनिक के बारे में भी बता दिया, एंड द सेम थिंग विद द आइकॉनिक, डोंट फॉरगेट दिस ASH लाइव बच्चे, ठीक है। प्राइसेस सारे मेंशन कर रखे हैं, ये PDF आपके पास आएगा, आप PDF में देख सकते हो इसको। देन यस माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द ओवरऑल सेशन। तो बच्चा पार्टी आपको इस चैनल को करना है इंस्टॉल, वो जो लाल रंग का बटन है उसको कर दो सब्सक्राइब, बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, दबा दो, सब कुछ कर दो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देन आपको ये घंटा बजाने का है, अरे घंटा बजा देना भैया, है ना, क्यों, क्योंकि सर सबसे पहले नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप घंटा बजा दोगे। और यार लाइक्स की कुछ कमी दिख रही है मुझे आज, और ऐसी कमियां नहीं होनी चाहिए लाइक्स में, तो यार ऐसा मत करो, लाइक कर दो और डिसलाइक थोड़ा कम कर दिया करो, क्यों ऐसी दुश्मनी, कौन सी निकाल दो तुम मेरे से, ठीक है। एंड बच्चा पार्टी यार शेयर जरूर किया करो, अपने स्टेटस पे लगा लो यार इन सेशंस को, स्टेटस पे हमारे शेड्यूल लगा लिया करो, हर बच्चे को बोलो कि भाई यहाँ पे फ्री में रिवीजन हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मिल जा रही है, तो यार किसका इंतजार कर रहे हो, हर उस बच्चे तक ये सेशन को पहुँचाओ जो बड़े शहर में जाके वो हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, ताकि वो बेचारा घर बैठे बैठे फ्री में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पा सके। तो ये काम तुम्हारा बच्चा पार्टी, तुम लोग करोगे पक्के से, तो इस सेशन को कर दो शेयर, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आपसे मैं मिलूंगा अब अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।